नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी रसिक श्रोताओं का हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। महमूद साहब, महमूद अली खान साहब का जन्म 29 सितंबर 1932 में हुआ था। आज हमारी खुशकिस्मती है कि महमूद साहब के भतीजे नौशाद साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आइए, नौशाद मियां से बात करते हुए ही उनके मामू ग्रेट एक्टर महमूद साहब को जानने की कोशिश करेंगे। आपका स्वागत है जी। जी अनु जी, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। मैं ये बोलना चाहता था कि मेरी एक पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ ये रही है कि जब मैं 11 साल का था तो वो एक फिल्म बना रहे थे, कुंवारा बाप। जी जी, कुंवारा बाप की फिल्म जब उन्होंने कंप्लीट की तो उन्होंने एक पूरी फैमिली के लिए एक स्क्रीनिंग रखा था एक्मेट, तभी एक प्रीव्यू थिएटर हुआ करता था वली पे जी। तो वहां जब हम सब गए देखने, पिक्चर देखी, क्लाइमेक्स हुआ, क्लाइमेक्स में मैं उनको बड़े मामा बोलता था, तो बड़े मामा जब गुजर जाते हैं फिल्म के अंदर तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई में रियल लाइफ में वो गुजर गए जी। और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं ऑडिटोरियम से बाहर निकला, रोते 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 चार माले नीचे उतरा, उतर के गाड़ी में गया, गाड़ी में बैठ गया और रोना शुरू कर दिया जी। मम्मी ने कोशिश किया, आंटी ने कोशिश किया बताने के लिए कि ये तो सिर्फ फिल्म है, फिल्म में हुआ है, वो रियल में जिंदा है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बोला उनको मेरे सामने लेके आओ। तो जब उन्होंने थिएटर जो ही हैड सम बिजनेस पीपल आल्सो विद हिम, तो वो नीचे आए और जब आके मेरे सामने पर्सनली खड़े हुए तब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि वाकई में ही इज अलाइव एंड आई वाज जस्ट वाचिंग अ मूवी जी। एंड दैट वाज वन एक्सपीरियंस व्हिच मेड मी फील कि व्हाट अ ग्रेट एक्टर ही वाज, दैट ही कुड कन्विंस मी एट दैट एज दैट ही डाइड। दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस मेरी जिंदगी में, मैं कभी भूल नहीं सकता वो फीलिंग्स। और ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि कितने बहन भाइयों के बीच में आपकी मदर का नंबर आता है? देखिए, वैसे तो चार भाई चार बहन है जी, थे, उसमें से मेरी मदर भाईजान से छोटी थी जी, नंबर 3 पोजीशन जी। सबने बड़ी बहन पाकिस्तान में थी, शी आल्सो एक्सपायर्ड रिसेंटली। नाम क्या था उनका? जुबैदा। जुबैदा, तो सबसे बड़ी बहन जुबैदा थी। और आपके नाना नानी के बारे में बताएंगे तो हमारे दर्शकों को बहुत, ये इसलिए पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि इंटरनेट के ऊपर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो आज हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है, ये मौका बहुत खुशकिस्मती का मौका है कि कम से कम हमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके जरिए मिल रही है। ग्रैंडफादर इज कंसर्न, मुमताज अली जी, ही वाज द फर्स्ट इंडियन कोरियोग्राफर एवर। Wow. My grandmother died quite early. She was 42 when she died. Oh, लतीफुन्निसा बेगम, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। आपकी नानी का नाम था लतीफुन्निसा बेगम, महमूद साहब की मदर थी और महमूद साहब के वालिद साहब थे मुमताज अली साहब। इनका डांस ट्रुप था। हाँ, ये बचपन में तो माय मदर यूज्ड टू से कि ये सारे ही परफॉर्म करने जाते थे ट्रूप ग्रैंडफादर के साथ। उनका एक ट्रूप था जिसके अंदर उन लोग सब बच्चे जितने थे उनके वो, और वो ऑल ओवर इंडिया टूर करते थे, छोटे छोटे टाउन्स के अंदर जाके परफॉर्म करते थे, एंड दैट्स हाउ दे यूज्ड टू सर्वाइव। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। चर्चा आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर जबान पर। मुझे उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी तरह से विजुअल मालूम होगा, शम्मी कपूर गाना गा रहे हैं, अच्छी डांसर भी अच्छी थी, एक खास साड़ी पहनी हुई है उन्होंने। खास क्या साड़ी क्या है? देखिए, हम साड़ियां जो पहनती हैं हमारी औरतें, चुन्नटे बांधी उन्होंने और एक पल्लू बांध लिया, साड़ी को रैप किया। लेकिन इसमें दिक्कत आ रही थी कि जिस तरह से ये, इसकी कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी भानु अथैया। भानु अथैया को गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर भी मिल चुका है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का। जी जी, भानु, जोरदार तालियां भानु अथैया। और आप ताज्जुब करेंगे, भानु अथैया ने गंगा जमुना के अंदर भी कॉस्ट्यूम की थी। भानु अथैया बहुत सीनियर, बहुत बेहतरीन कॉस्ट्यूम डिजाइनर रही हैं हमारे देश की। सो आप जानते हैं कि हमारी फिल्मी तो
फिल्मी हीरोइंस और हीरो के प्रति तो हम सबकी जो रुझान है पूरे भारतवासियों का, आप जानते हैं कि किसी भी हीरोइन ने उस तरह का कपड़ा पहन लिया, याद कीजिए 70s के अंदर फिल्म आई थी वो छींट वाली शर्ट बॉबी, तो बंदा बच्चा पोलका डॉट्स, बड़े बड़े देवर दीवाना माधुरी जी की वो पर्पल कलर की साड़ी पहना, जरा पूरी दुनिया ने वो साड़ियां पहनी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मुमताज ने जो साड़ी पहनी है आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, इस गीत में डांस करने में मुश्किल आ रही थी तो मुमताज के लिए स्पेशली साइड से जिप लगाकर जी साड़ी बनानी पड़ी थी। तो मतलब भानु अथैया का ये डिजाइनिंग थी कि लपेटने की जगह इस जिप के द्वारा बंद कर दिया जाए तो एक बार में ही पहन जाए। आजकल तो रेडीमेड जिसे बोलता है रेडीमेड धोती भी मिलने लगी है, तो दो लांग की धोती और तीन लांग की धोती और चुन्नटे बांध के और उसको यहाँ पे अटका के और बाहर से निकालने की जरूरत नहीं है, रेडीमेड हर चीज रेडीमेड है। आप ध्यान रखिए रेडीमेड सूप है, रेडीमेड वो क्या है नूडल्स हैं, हर चीज रेडीमेड मिल गए और धीरे धीरे तो बहुत कुछ रेडीमेड, रिश्ते नाते भी शायद रेडीमेड मिल रहे लेकिन हम जिंदा लोगों की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं मुमताज की। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुमताज को साड़ी की वजह से दिक्कत आ रही थी डांस करने में, तो भानु अथैया ने जिप लगाकर इस तरह से साड़ी बनाई कि मुमताज परफॉर्म कर सकें, मुमताज अच्छा डांस कर सकें। एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो गाना है जिसके ऊपर मुमताज ने डांस किया, जो कालांतर में जाके फैशन में औरतें जाती थी कि भैया वो ऐसा करो, हाँ मुमताज साड़ी दे दो, जरा कलर बताओ कौन कौन से और डिजाइन बता दो, बस मुमताज साड़ी नाम ही मशहूर हो गया, मुमताज साड़ी अभी भी चलती है। जी जी अभी भी चलती। मैं ये चलते चलते ये बात बताना चाहूंगा कि ये जो गाना है ओरिजिनली देवानंद की फिल्म के लिए नासिर हुसैन ने बनवाया था, मगर किसी कारण से देवानंद ने इस गाने को रिजेक्ट कर दिया तो इसे फिल्म ब्रह्मचारी में रखा गया। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक बार फिर बीरबल साहब मौजूद हैं। बीरबल साहब, आपने मीना कुमारी जी के साथ काम किया है। मैं जब नया नया आया था तो वहाँ फिल्मिस्तान में शूटिंग चल रही थी पाकिदा की, सेट लगा था बाजार हुसन का जी, तो मेरे पास कोई काम काज तो था नहीं, तो मैंने कहा मैं भी आज जनरल वार्ड में वहाँ पर भर्ती हो गया था तो मुझे लगता था कि पूरे सेट के मुझे कोई 250 रुपये मिलने वाले थे, आज तक मुझे याद है। लेकिन उस वक्त मुझे मीना कुमारी जी को बड़े क्लोजली देखने का मौका मिला। मैंने एक बात नोटिस की, वो शक्ल से बेचारी दुखियारी वक्त की मारी लगती थी। जब भी सेट पर कोई आदमी अपना बच्चा ले कर आता था जैसे तड़फ आ जाती थी, उस बच्चे को अपनी गोद में ले ली थी। और इतनी मासूम औरत, इतनी प्यारी शक्ल, भोली भाली मैंने औरत आज तक नहीं देखी। उसको अपनी औलाद की बड़ी तलब थी कि मेरे घर में भी कोई लड़का या लड़की हो, औलाद हो, संतान औलाद हो, औलाद का सुख भोगूं, पर उसकी जिंदगी में ऐसा हुआ ही नहीं बेचारी के। मीना कुमारी की लाइफ ना सिर्फ अप्स एंड डाउन्स की लाइफ थी, बहुत ट्रेजिक लाइफ थी। और संतान के जाने का गम इतना गहरे बैठ गया, और क्यों ना बैठे। एक स्त्री की यातना को समझ सके तो फिर आपको पता पड़ेगा कि किस कैफियत से, किस हाल से गुजरी वो। और इन्हीं हालातों से गुजरकर मीना कुमारी की मैरिड लाइफ में भी खटास आने लगी। एक के बाद एक ऐसे हादसे होने लगे जिन्होंने मीना और कमाल को धीरे धीरे एक दूसरे से दूर करना शुरू कर दिया। लेकिन कमाल की बात है, एक तरफ पर्सनल लाइफ ऐसी जा रही थी तो दूसरी तरफ करियर जो था वो बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा था। एक से एक बेहतरीन फिल्में कर रही थी, करियर में वो ऊंचाइयां मिल रही थी जिन्हें लोग तरसते हैं। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। किशोर कुमार शरारती थे ये सब जानते हैं, मगर किस हद तक ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। शूटिंग के दौरान सेट पे सडनली लोगों को डरा देना, कभी कभी रिकॉर्डिंग में लोग वेट करते रहते और किशोर कुमार खड़े रहते।
खंडवा भाग जाते। सेट से भाग जाना, बिना पैसे रिकॉर्डिंग में गाना नहीं गाना, मतलब जब तक उनका जो असिस्टेंट या मैनेजर जो भी होता है उनके साथ एक कोड वर्ड था, चाय पी ली? नहीं दादा, आ रही है। अब अगर वहां से बाहर से मैनेजर का ये मिला तो आप समझ लीजिए मेरे ना सुर ही नहीं लगता था। दादा चाय पी ली, बड़ी गरम चाय थी मेरे, फिर ये सारे बहाने सारे पैंतरे थे किशोर कुमार के। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी के साथ जो उन्होंने किया वो तो कुछ ज्यादा ही था। ऋषिकेश मुखर्जी जब उनसे पहली बार मिले तभी ऋषिदा को ये लग गया था कि ये एक बेलगाम घोड़ा है जिसे काबू करना आसान नहीं है, क्योंकि अगर इसे काबू किया तो जो इससे करवाना है वो भी नहीं कर पाएगा। और हुआ भी यूं कि मुसाफिर फिल्म का कुछ पैच वर्क बाकी था, इसलिए ऋषिकेश मुखर्जी ने शूटिंग की तारीख किशोर कुमार से म्यूचुअल अग्रीमेंट के साथ तय कर ली। संयोग से किशोर कुमार उन्हीं दिनों साउथ से मिस मैरी की शूटिंग से वापस आए थे। ये किशोर कुमार एज एन एक्टर की बात कर रहा हूं मैं। और उनका मन नहीं था कि ऋषिकेश मुखर्जी की शूटिंग करें, तो उन्होंने कोशिश की कि शूटिंग टल जाए, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम दे चुके हो शूटिंग, शूटिंग तो तुम्हें करनी पड़ेगी। अब जिस दिन शूटिंग का दिन था सब कुछ तैयारी थी, स्टूडियो में सेट लगा था, पूरी यूनिट पहुंच चुकी थी, हर डिपार्टमेंट रेडी था, बस इंतजार था किशोर आ जाए तो शूटिंग शुरू करें। एक घंटा बीत गया, दूसरा भी घंटा बीत गया, और चार पांच घंटे तक कोई खबर नहीं किशोर कुमार की। अब देखिए मोबाइल का जमाना तो नहीं था, ऋषिदा थोड़े से अंदर ही अंदर व्याकुल हो रहे थे। मालूम तो था ये बेलगाम घोड़ा है, ऐसे बस में नहीं आएगा। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया कि जरा मैं चुपचाप से सरप्राइज विजिट दूं और जाऊं किशोर के घर पर और देखूं कि माजरा क्या है, क्यों नहीं आ रहा, कहां है। ये मन बना के ऋषिकेश मुखर्जी पहुंचे किशोर कुमार के घर, नौकर मिला, नौकर से पूछा भाई ठीक ठाक तो है सब, कहां है? तो नौकर ने कहा कि दादा आप अंदर जाएं और देख लें कि कहां हैं और क्या हैं। भाई हालत हालचाल पूछे होगे कैसा है क्या है, तो नौकर ने कहा कि आप ही खुद जाके देख लें। ऋषिकेश मुखर्जी नौकर के कहने पर जब उस पर्टिकुलर कमरे में पहुंचे जहां का इशारा नौकर ने कहा था, तो अभी दरवाजा खोला ही नहीं था कि किशोर कुमार की आवाज आई जोर जोर से चिल्लाने की, दादा दादा अंदर मत आइएगा ऋषिदा, अंदर मत आइएगा ऋषिदा, अंदर मत आइएगा ऋषिदा। लेकिन ऋषिदा तो मन बना के आए थे कि मैं जान के छोड़ूंगा कि आ क्यों नहीं रहा है मेरे सेट के ऊपर, माजरा क्या है। उन्होंने भड़ाकदन से दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने के बाद ऋषिकेश मुखर्जी को सामने दिखाई दी किशोर कुमार की सूरत। इस सूरत को देखकर ऋषिकेश मुखर्जी के हाथों के तोते उड़ गए, क्योंकि किशोर कुमार ने अपना पूरा सिर मुंडवा लिया था, गंजे होके बैठे थे। उन्होंने कहा दादा अब तो मैंने शेव करवा लिया, मुंडन करवा लिया, और अब जब मेरे सर पे बाल आएंगे तभी मैं शूटिंग कर पाऊंगा, बाल आते आते उत्तर आते 6-8 महीने लगते हैं। ऋषिकेश मुखर्जी भी मानने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा किशोर तेरी ये शरारतें मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मुझे मालूम था कि तेरे साथ काम करने में मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने अपने मेकअप डिपार्टमेंट से एडवांस में ही कह के रखा था कि जरा संभलना, इसके सर का नाप ले लेना, मैं तेरी विग बनवा लूंगा। विग बनाए तुझे, शूटिंग तो करनी पड़ेगी। और विग तैयार हो जाएगी सर लाए, और तू परसों से ही शूटिंग करेगा। मुझे समझ में नहीं आता और इस तरह से शूटिंग हुई होगी। किशोर कुमार ने बचने की कोशिश की, लेकिन अगर ये आभास कुमार गांगुली थे तो उसका नाम भी ऋषिकेश मुखर्जी था। दो बंगाली मिल जाए तो एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मुझे आप में से कुछ बता सकते हैं कि किशोर कुमार क्या आपको लगता है क्यों इस तरह से करते थे? जी आप कुछ बताएंगे रविंदर जी? उनका एक नेचर था नॉटी, ही वाज अ नॉटियर
He was a very romantic person also at the same time. So, jo, because of naughty nature or jab aadmi dil se khush hota hai, to ye sab harkatein karte hain. सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। देवदास के दो साल बाद ही वैजंतीमाला जी की एक फिल्म आई दिलीप कुमार के साथ, दिलीप साहब के साथ पहली फिल्म नया दौर। बिल्कुल सही फरमाया। इस फिल्म में पहले दिलीप कुमार की जगह अशोक कुमार को, दादा मुनि को लिया जा रहा था, मगर बात बनी नहीं, दादा मुनि ने रिफ्यूज कर दिया। और दादा मुनि के रिफ्यूज करने के बाद आ गए दिलीप कुमार, और वैजंती माला से पहले इस फिल्म में साइन किया गया था मधुबाला को, लेकिन दिलीप कुमार के आने के बाद, आप जानते हैं दिलीप कुमार और मधुबाला, अरे खास समझाने की क्या बात है, इश्क और मुश्क तो छुपाए नहीं छुपते। और बहुत लंबा चौड़ा किस्सा भी हो गया था, मधुबाला जी के फादर नहीं चाहते थे कि दिलीप कुमार के साथ बेटी बाहर जाए, मधुबाला को बात कोर्ट तक जाके जा पहुंची थी, और बहुत गड़बड़ हो गई थी मामला, मधुबाला की एग्जिट और वैजंती माला की एंट्री। ये फिल्म नया दौर मदर इंडिया के बाद सेकंड हाईएस्ट कमर्शियली हिट फिल्म थी। नया दौर के बाद वैजंती जी ने एक फिल्म बलराज साहनी साहब के साथ भी की थी, फिल्म का नाम था कठपुतली। कठपुतली के बाद किशोर कुमार के साथ भी एक फिल्म की थी आशा, टिना डिना डिडा डा डिडा डा 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 डा, ये आशा, किशोर कुमार इसके हीरो थे। फिर आई मधुमती, जो 1958 की सबसे बड़ी हिट और सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म थी, सब बहुत अवार्ड मिले थे इस मधुमती को। और इन्हीं फिल्मों के बाद 1958 में ही वैजंती माला की वो फिल्म आई जिसने उन्हें 3 साल वेट करने के बाद दिलवाया बेस्ट एक्ट्रेस, नॉट बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड, फिल्म थी साधना। ये फिल्म भी बीआर चोपड़ा ने डायरेक्ट की थी। साधना के बाद 3 साल तक कुछ खास हिंदी फिल्में नहीं की वैजंती माला जी ने, नॉट वर्थ मेंशनिंग। साउथ की फिल्मों में काम कर रही थी। हिंदी में उनकी देवानंद के साथ एक फिल्म आई अमरदीप, फिर दिलीप कुमार के साथ एक और फिल्म आई पैगाम, और 1961 में एक फिल्म आई जिसने वैजंती माला को फिर से एक बार उरूज पे पहुंचा दिया। वो फिल्म थी 1961 की गंगा जमुना, डायरेक्टेड बाय दादा नितिन बोस, और संगीत दिया था ग्रेट नौशाद साहब ने, और गीत लिखे थे शकील बदायूनी साहब ने। हम कह सकते हैं कि हमारे देश की शायद ये सर्वप्रथम रीजनल फिल्म थी। पूरा का पूरा जो अंचल था, वो जो पुरबिया और अवधी अंग की जो बोली बोली है, इसके लिए वैजंती माला जी कहती हैं कि हमारे उनके ट्यूटर भी रखा गया था दिलीप कुमार और वैजंती माला जी के लिए, लेकिन दिलीप साहब के लिए तो फिर भी आसान होगा, लेकिन वैजंती जी साउथ से आई हुई और अवधी भाषा बोलना है, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, बहुत लोगों से सीखना पड़ा होगा, तब जाके गंगा जमुना बनी और ये सुपर डुपर हिट फिल्म है। सुनते रहिए रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। फिल्म इंडस्ट्री में लव इन शिमला से एंट्री करने वाली साधना जी ने बहुत सारी फिल्में की, वो कौन थी, वक्त, मेरा साया, अनीता, मेरे महबूब, फिल्मों से खूब नाम कमाया और फिल्मी इतिहास का एक हिस्सा बन गई, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। मैंने आपसे कहा ना कि जब वो फिल्मी दुनिया से उन्होंने दूरी बना ली, और तभी अकस्मात मृत्यु हो गई उनके पति आर के नैयर साहब की, मगर नैयर साहब ने मृत्यु से पहले एक फिल्म बनाई थी, ये जिंदगी कितनी हसीन है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई और आर के नैयर और साधना जी पर फाइनेंशियल प्रेशर, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया। इस प्रेशर स्ट्रेस के बावजूद आर के नैयर ने 2 और फिल्में बनाई, पति परमेश्वर और कत्ल, ये दोनों फिल्में भी नहीं चली, और ये फाइनेंशियल प्रेशर ग्रेजुअली फाइनेंशियल डेट, कर्जे में तब्दील हो गया, और साधना जी डूब गई चारों तरफ से कर्जे में। अस्थमा की प्रॉब्लम की वजह से आर के नैयर की मृत्यु हो गई।
और ऐसे हालातों का लगातार सामना करते हुए साधना जी का स्वास्थ्य भी खुद बिगड़ने लगा, हेल्थ भी खराब हो गई, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, आँखों की प्रॉब्लम हो गई, आईसाइट का प्रॉब्लम हो गया। इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए साधना जी को विदेश जाना पड़ा, बॉस्टन गई अपना इलाज करवाने। संतान भी कोई नहीं थी, कोई सहारा नहीं था, इसलिए जीवन में इस कठिन दौर का सामना उन्हें अकेले ही करना पड़ा। एट प्रेजेंट साधना जी मुंबई में रहती हैं, जिस घर में रहती हैं वो किराए का घर है, बहुत बड़ा बंगला है, विच इज ओन्ड बाय आशा भोसले। अभी कुछ समय पहले लीगल केस एंटेंगल में फंस गई थी, जिसमें आशा भोसले का नाम भी आया था और साधना जी का भी नाम आया था। अपनी तस्वीरें भी खिंचवाना पसंद नहीं करती हैं, इसलिए आपने उन्हें किसी न्यूज़ चैनल या किसी भी जगह पर देखा नहीं होगा, पब्लिक से भी दूर हो गई हैं। 30 से ज़्यादा फिल्मों को करने के बाद, बहुत सी हिट फिल्में देने के बावजूद साधना जी को किसी बड़े अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। उन्हें वक्त और वो कौन थी के लिए नॉमिनेट तो किया गया, मगर अवार्ड नहीं मिला। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी ने उन्हें सन 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। हम सब दुआ करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर वन शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।